हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का वीपी एजुकेशन चैनल पर। मैं हूं विकास पांडे और आज की इस वीडियो में बेटा हम सब कवर करेंगे क्लास थर्ड मैथ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 चालू है और इसका प्रीवियस वीडियो आपका एक्सरसाइज 1.1 1.2 का आ चुका है। अगर आप अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले सबसे उन वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, न्यू सत्र आपका चालू है, तो न्यू सत्र के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस चैप्टर से सर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग क्लास के साथ रेगुलर ज्वाइन रहिए और जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के इस वीडियो में बेटा हम सब करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का। यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न आपका दिया गया है ए वाला। ए में दिया है राइट द प्लेस, क्या दिया गया, राइट द प्लेस यानी इनके स्थान को बताना है आपको, इनके स्थान को लिखना है, किनके स्थान को, ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट यानी जिन अंकों के नीचे अंडरलाइन किया गया। देखिए ये 7 के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यहाँ देखिए 8 के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो सिर्फ उन्हीं का बताना है जिन अंक के नीचे आपके अंडरलाइन किए गए हैं, उन्हीं अंकों के। डिजिट्स मीन्स अंक, डिजिट मीन्स क्या होते हैं, अंक, यानी उन्हीं अंकों के केवल आपके प्लेस बताने। जैसे फर्स्ट वाले में आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे दिया है क्या आपका, यहाँ दिया है यह 7 के नीचे अंडरलाइन था, तो 7 आपका किस प्लेस का नंबर था, वंस टेंस, तो यह आपके टेंस प्लेस का नंबर था, तो इसलिए यहाँ पे टेंस राइट किया गया। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यह 8 के नीचे अंडरलाइन है, तो 8 आपका कौन से प्लेस का है, 8 राइट हैंड साइड से आपका वंस स्टार्ट होता है, जो कि यह पहला नंबर 8 है, तो यह आपका हो जाएगा क्या, वंस, तो लिख देंगे यहाँ पे वंस, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ 5 हम लोग ऐसे हॉरिजेंटल में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 के नीचे जस्ट दिया गया है आपका, 3 के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो यह कौन से प्लेस का नंबर है, वंस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सब वंस। फिर यहाँ देखिए लास्ट वाले नंबर के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, क्या आया, थाउजेंड, तो यहाँ लिख देना है आपको थाउजेंड। थाउजेंड्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, यह आपका वंस टेंस हंड्रेड, 5 के नीचे है, तो यहाँ क्या आया, हंड्रेड आया, तो लिख देंगे हंड्रेड, इस तरीके। यहाँ पे आप देखें वंस टेंस हंड्रेड, फिर से क्या आया, हंड्रेड, तो लिख देंगे हंड्रेड। उसके बाद देखें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो क्या आया, थाउजेंड, तो क्या लिख देंगे, थाउजेंड्स लिख देंगे, ठीक है, या हंड्रेड्स कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ वंस टेंस, तो क्या है, यहाँ पे आया टेंस, तो लिख देंगे टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्लेस राइट करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका, यानी बी वाला करते हैं, और हम लोग कर रहे हैं क्लास थर्ड मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3, ठीक है। चलिए राइट द प्लेस वैल्यू, क्या बताना है बेटा, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, स्थानीय मान होता है। प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, स्थानीय मान, ऑफ अंडरलाइन डिजिट, केवल उन्हीं का बताना है प्लेस वैल्यू जिन अंकों के नीचे अंडरलाइन किया गया है, जिनके नीचे क्या है अंडरलाइन, सिर्फ उन्हीं का प्लेस वैल्यू बताना। तो चलिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल में समझिए, यहाँ पे वंस टेंस, यह वन जो है टेंस प्लेस का नंबर था, और देखिए इसी का हमको बताना, क्योंकि इसके नीचे क्या है अंडरलाइन, तो यह किस प्लेस का नंबर था, टेंस प्लेस का नंबर था, इसलिए यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे देखें, यहाँ 7 के नीचे अंडरलाइन किया गया है, जो कि आप देखिए वंस प्लेस का नंबर है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 7 ही होगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू हम जब मल्टीप्लाई के थ्रू निकालते हैं तो उन्हीं के प्लेस से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यह है आपका टेंस प्लेस का नंबर था, तो 1 का आपको प्लेस वैल्यू बताना था, तो ये किस प्लेस का नंबर था, टेंस, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब बताइए 10 1 इज 10 होता है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 10, तो समझ गए ना, ऐसे करना है आपको।
आगे देखिए, यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड, और हंड्रेड के प्लेस पे है क्या, हंड्रेड के प्लेस पे है ज़ीरो, तो ज़ीरो है तो ज़ीरो हंड्रेड प्लेस पे है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो इंटू हंड्रेड यानी हंड्रेड से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आप जानते हैं ना कि किसी भी अंक से, किसी भी संख्या से अगर हम ज़ीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड, फिर से वही सेम प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यह किस प्लेस का नंबर है, थाउजेंड, तो क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, थाउजेंड। उसके बाद वंस टेंस हंड्रेड, तो हंड्रेड प्लेस का है नाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइन हंड्रेड। उसके बाद वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो सेवन आपका थाउजेंड प्लेस का नंबर है, तो इसलिए थाउजेंड कर देंगे। उसके बाद वंस एट के, एट का ही बताना है आपको, तो यह हो जाएगा आपका एट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सी इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया आपका, राइट द न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कौन से फॉर्म में लिखना बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द न्यूमरल्स यानी संख्याओं में लिखना है आपको, अंकों में लिखना है, इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कौन से फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आप यही समझिए कि जो भी ये संख्याएं दी गई हैं इन्हीं के प्लेस को अलग कर देना है हमको, इन क्या कर देना है, इन्हीं के प्लेस का प्लेस वैल्यू निकाल निकाल करके और इनके प्लेस के अकॉर्डिंग इनकी फुल वैल्यू यानी पूरा योग लिख देना है। जैसे कि आप देखिए पहले में दिया गया आपका एट, एट किस प्लेस का नंबर है आपका, वंस प्लेस का, तो यहाँ पर हो जाएगा एट। और उसके बाद यहाँ पे यह वन टेंथ प्लेस का नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन। ठीक है, और ये टू आपका हंड्रेड प्लेस का नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा टू हंड्रेड। और उसके बाद ये थ्री आपके थाउजेंड प्लेस का नंबर है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा थ्री थाउजेंड। इनको हम इजी लैंग्वेज में समझें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यह वंस प्लेस का नंबर है तो हो गया इसका क्या एट, और यह टेंथ प्लेस के नंबर के बाद बताइए कितने अंक हैं, केवल एक अंक है, तो वन लिख करके वन ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद टू, टू का बताना है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो सबसे पहले तो टू लिख देंगे और टू के बाद बताइए राइट हैंड साइड में कितने अंक हैं, तो एक वन टू, टू अंक हैं, दो अंक हैं, तो यहाँ पे आपके दो ज़ीरो लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ थ्री आपका थाउजेंड प्लेस का नंबर है, तो इसके राइट हैंड साइड कितने अंक हैं, वन टू थ्री, तो यहाँ पे वन टू थ्री ज़ीरो लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे आप देखिए नाइन वंस प्लेस का नंबर है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ केवल नाइन, और यहाँ पे एट है, तो सबसे पहले आपको एट लिखना है, और उसके बाद इसके बाद कितने अंक हैं, तो हैं आपके एक अंक, तो एक ज़ीरो लगा देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ ज़ीरो है तो आप क्या करेंगे, केवल सिंगल ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि थ्री ज़ीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे आप फोर, पहले फोर लिख देंगे, अब बताइए थाउजेंड प्लेस का नंबर है तो इसका वैल्यू कितना होगा, फोर थाउजेंड। तो इस तरीके से यह है, ज़ीरो वंस है तो ज़ीरो वंस, थ्री टेंस है तो थ्री टेंस मीन्स थर्टी, फोर हंड्रेड है तो फोर हंड्रेड मीन्स फोर हंड्रेड, सिक्स थाउजेंड है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्स थाउजेंड, ज़ीरो वंस है तो हो जाएगा ज़ीरो, वन टेंस है तो हो जाएगा आपका टेन, टू हंड्रेड है तो हो जाएगा आपका टू हंड्रेड, और यहाँ पे नाइन थाउजेंड है तो हो जाएगा आपका नाइन थाउजेंड, वन आपका वंस प्लेस का नंबर है तो हो जाएगा वन, फोर टेंस है तो हो जाएगा फोर्टी, थ्री हंड्रेड है तो हो जाएगा आपका थ्री हंड्रेड, और सेवन आपका थाउजेंड है तो हो जाएगा आपका सेवन थाउजेंड। ठीक है, इस तरीके से चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसका डी वाला देखिए आप लोग, दिया गया है राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या दिया गया है, राइट द न्यूमरल, न्यूमरल राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे इसका, यानी डी वाला देखेंगे, राइट द न्यूमरल, क्या लिखना है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच एक्सपेंडेड फॉर्म्स, ये जितने भी आपके एक्सपेंडेड फॉर्म्स दिए गए हैं इन सभी का आपको क्या राइट करना है, न्यूमरल राइट करना है। ठीक है, यानी इनको शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देना है, कौन से फॉर्म में बेटा, छोटे रूप में राइट कर देना। जैसे आपका ये देखिए ये शॉर्ट फॉर्म था, और शॉर्ट फॉर्म को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से बदला था, उसी हिसाब से यहाँ पे आपका दिया गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, और फिर क्या कर देना है, इनके
वैल्यू को सॉर्ट में राइट कर देना है, यानी इनके इनके प्लेस पर रीअरेंज कर देना है। तो 9 आपका वंस प्लेस का नंबर है तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 9, और 8 आपका टेंस प्लेस का नंबर है तो इसको हम टेंस प्लेस पर राइट कर देंगे। उसके बाद 7 आपका कौन से प्लेस का, 100 प्लेस का नंबर है तो 100 के प्लेस पर रख देंगे, और 3 आपके 1000 प्लेस का नंबर है तो 1000 प्लेस पर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका न्यूमरल आपको राइट करना है शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये आपका 4 क्या है, वंस प्लेस तो हो गया, 6 आपका टेंस प्लेस तो हो गया, 4 आपका 100 प्लेस का है तो 4 हो गया। उसके बाद ये आपका 8000 प्लेस का नंबर है, 8000 है तो यानी 8000 के प्लेस पे रख देंगे। उसके बाद ये 6 आपका वंस प्लेस है तो यहाँ 6, 9 आपका टेंस प्लेस तो क्या हो जाएगा, 9 टेंस यानी 90, और 100 प्लेस का नंबर है तो हो जाएगा 100, और ये यहाँ 7000 है तो 7000 यानी इसको हम 1000 प्लेस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 7000। इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पे आपका वंस प्लेस दिया गया है क्या, 3, तो 3 हो गया। यहाँ पे वंस टेंस प्लेस दिया गया है 5, यानी 50 है तो इसका टेंस प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। उसके बाद देखें यहाँ 1000 आ गया, लेकिन टेंस के बाद तो 100 आता है, 100 नहीं दिया गया है तो 100 को 0 कर देंगे। और यहाँ 4000 है तो 4000 यानी 4 को हम रख देंगे 1000 प्लेस पे, तो यह हो जाएगा आपका 4000। तो ये हो गया इसका न्यूमरल शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आगे देखें, आगे यहाँ पे केवल 9 वंस प्लेस पे है तो 9 हो गया, और उसके बाद वंस टेंस 100 1000 आ गया, वंस के बाद 1000 आ गया, तो लेकिन वंस के बाद तो टेंस आता है तो टेंस को 0, और टेंस के बाद 100 आता है तो 100 को भी 0, और यहाँ पे 1000 का वैल्यू दिया गया है कितना, 5000, तो यानी 1000 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 को आपको सॉल्व करना था। सर ने 1x1 सारे क्वेश्चनों के सोल्यूशन आपको इस तरीके से राइट करा दिए हैं। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।